स्मृति ईरानी। जनता पार्टी, दिस इज एन अपील टू एवरी इंडियन सिटीजन। एवरी 5 years वी ऑल डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अ गवर्नमेंट टू सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया। We as a nation state during COVID became the pharmacy to the world. We as a nation state are witness how Prime Minister Modi has ensured food security for 800 million Indians. We as a nation state a witness to the Amrit Kal budget which has the highest allocation for defense. We as a nation state are together with Prime Minister Modi laying the foundation for the future of our country that will not only inherit our dreams but a resilient and stronger economy. It is to be highlighted that when India rose to the 5th largest economy of the world, when the President of the United States of America, the Prime Minister of England, the President of France publicly extended gratitude to the Indian Prime Minister and India for enabling employment not only in India but also these 3 designated nations. Such is a time where the imperialistic intentions of an entrepreneur come to light. Today, as a citizen, I call upon every individual and organization, societal or political, to denounce the intention of this individual who seeks to demonize our democracy, weaken our democratic interests, and who brings an onslaught to the economy of India, all so that he can personally gain. Those who Mr. Soros finds pliable need to know that India has defeated imperialistic designs before and shall do so again. Those who support Mr. Soros need to know that democracy has prevailed in India and will continue to do so, and particularly as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, these designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं, एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में
अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में ये चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़े। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है।